भाई 125 से लेकर 130 ईयर्स पुरानी ये सुरंग है, लेकिन ज़्यादा आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो जो अंकल ऊपर खड़े हैं उन्होंने बताया कि जंगली जानवर का लगातार डर बना रहता है इधर। अभी आप देख रहे हैं ये जो पार्टीशन खुला हुआ है जहाँ पर लाइटिंग है, और इसके ठीक उस तरफ वहाँ भी दो कुत्ते हैं, देख रहे हैं दो कुत्ते हैं, टॉर्चे हैं, हो सकता है कुत्ते हों। तो कोशिश करता हूँ मैं जितना आगे तक थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है भाई, इतना सा आया हूँ पूरा अंधेरा हो गया। और ये देखिए ये शारदा नदी तक पहुंचता है ये कोना, और वहां से नेपाल बॉर्डर तक। दोस्तों ट्रेलर में आपने जो भी टनल देखी 40 किलोमीटर लंबी ब्रिटिश कालीन, आज हमारा सफर उसी टनल तक है। आज हम बेसिकली ये पता करेंगे कि यह टनल हॉन्टेड है भी या नहीं। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं ये ग्रीनरी है खटीमा की, जो कि हमारा होम प्लेस है। यहाँ से हम शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, बेसिकली इंडिया की जो पर्वत श्रेणियाँ जहाँ से स्टार्ट होती है उस प्लेस तक हम जाएंगे, जिस प्लेस का नाम है टनकपुर। सो आइए, एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग में बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग क्या है भाई, एक छोटी मोटी हॉन्टेड प्लेस पे लेके आए हैं। इसका डिटेल में इन्वेस्टिगेशन ब्लॉग आपको CK20 यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मैं एक ब्लॉग टाइप की बना रहा हूँ, अंग्रेजों को जमाने की 125 साल पुरानी सुरंग है, और वो सुरंग हमने खोज निकाली है टनकपुर उज्जोली कोट, और लगभग 40 किलोमीटर लंबी ये सुरंग थी। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन व्लॉग में देते रहेंगे। साथ में हम शूट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन व्लॉग, थोड़ी सी हॉन्टेड भी लोकेशन है। हॉन्टेड क्यों है ये आपको अभी पता चल जाएगा व्लॉग में देखने में। तो सीके भाई कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, और आपके लिए जल्दी से जल्दी आएगी इसकी व्लॉग, हॉन्टेड व्लॉग। वहाँ पर एक जानवर फेंक रखा है, और ये मरे हुए लोगों के इस टाइप का फेंकते हैं इधर। हाँ, मुझे तो लग रहा कोई शमशान टाइप का भी हो सकता है इधर, मतलब ना ऐसे लाल कपड़े इस टाइप के दिख रहे हैं भाई, तो मुझे डेंजर लग रहा है इधर। लेकिन हम डे में आए हैं, वैसे कोई इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि इस तरफ तो जंगल है, उस तरफ गांव है। ये देखिए ये नहर के ये स्ट्रेचर, और ये तो शायद कटाव के रोकने के लिए है। वो सुरंग है वो देखिए, यहाँ से फिर कंटिन्यू हो रही है, बीच में टूटी थी, अब यहाँ से देखिए फिर से दोबारा से चालू हो रही है। ये देखिए ये पुराना ढांचा है इसका जो गिरा हुआ है, और यहाँ पर ये फिलहाल अब तो बंद हो गई है क्योंकि आगे से मिट्टी गिर गई है, लेकिन ये साफ पता चल रहा है ये वही सुरंग। हम गए थे उधर जहाँ से सीके भाई आ रहे हैं, और ये है छोटा सा नाले का क्रॉस। कहाँ से हैं ये बताएंगे हमें, उस जो ये लंबी सी सुरंग है ब्रिटिश कालीन। तो क्या नाम हुआ आपका? खद्दर सिंह। कितनी लंबी है ये फिलहाल आपके गाँव गाँव में? यहाँ से लेके वो पर तक है एक किलोमीटर करीब पड़ेगी, और फिलहाल टूटी है, उसके बाद टूट गई है। आगे को यहाँ से टनकपुर तक हुई है। अच्छा, इसका काम क्या था कुछ बता सकते हैं आप? इसमें पानी की नहर चलती थी, इसी पहले इसी से ज्यादा पानी तो शुरू में बना पावर हाउस। अच्छा, पावर हाउस। आपका नाम क्या हुआ? नारायण सिंह। उसके बाद बनवा से का गया, फिर पुल बना। मैं ऐसा भी बताते हैं कि वहाँ से लकड़ी फेंकते थे पानी में बहके, वो आती थी टनकपुर में, इसको नहर से ले जाते, हाँ नहर इसी नहर से ले जाते, फिर इसी नहर से वो लकड़ी डाल देंगे, बहते बहते निकल जाएगी टनकपुर में, उतारेंगे वो बनवासा तक है लगभग, टूट गई है। आपका नाम क्या? उचोलीगोड। उचोलीगोड, उचोलीगोड, आगे ब्रह्मदेव। गांव के तीन नाम है, उचोलीगोड, चरिया खेत, ब्रह्मदेव। अच्छा जी, है हमारे यहीं से है ये पटरी। हाँ मैं नहीं समझ गया, फिलहाल पटरी का नहीं, हमको सुरंग का ज्यादा है। सुरंग का भी है, ट्रैक बिछाया रेल का, वो भी उसी टाइम का है। इसी टाइम का है, अंग्रेजों के जमाने का। यहाँ पे वो गाड़ी आती थी पहले, वो क्या कहते माल ढोने वाली। अच्छा, यहाँ तक आती थी सरेवर ढोने के लिए। अच्छा, इसमें पानी कब आता है ये सुरंग में? पानी इसमें तो बरसात में तो हुआ, लेकिन ये ब्रिटिश काल में जब बनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चलाती थी इसको, उसी जगह जगह घराट भी बने हुए थे। नजर आ रहा होगा दूसरी तरफ एक छोटा सा ब्लैक होल, और वो ब्लैक होल है सुरंग का दूसरा किनारा, तो लगभग 250 से 300 मीटर दूर है। ये है दूसरी तरफ, और हम जा रहे हैं दूसरी तरफ क्योंकि ज्यादा आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तो हमको यहाँ पर जंगली जानवर के जो खुर दिख रहे हैं, मतलब छोटे मोटे बाघ तेंदुए इस टाइप के, बाघ के तो नहीं है ये तो कंफर्म है, ये तेंदुआ है, हाँ तेंदुआ हो सकता है, खुर दिख रहे हैं किसी जंगली मतलब हिंसक जीव के। वापस आ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इसी ब्लॉग में दूसरी तरफ जाके आ रहे हैं लोग के यहाँ पर सीढ़ियां वीढ़िया है, ठीक ठाक जगह है, तो वहां से अगर हो सकता है तो वहां से ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एरिया ज्यादा मुझे डेंजर लग रहा है, क्योंकि यहाँ जानवर की ओटी ओटी भी पड़ी हुई है, और ऊपर से पीछे साइड पूरा जंगल है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो शायद गांव वाला लोकेशन है। ये है सुरंग भाई, और ये देखिए ये दूसरी तरफ वो दिख रहा है। अभी देखिए हम उजाले में आ गए, अभी तक अंधेरे में थे, और ये देखिए भाई वो जा रहे हैं सीके भाई,
और ये पूरा जंगल है भाई, पीछे का पूरा जंगल वाला इलाका, लेकिन उस साइड एक गांव है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये है वो 125 ईयर पूरे हो चुके हैं, इसी वजह से बीच में से टूटी फूटी पड़ी है, देखिए इस तरह ये सुरंग टूट गई है। और यहाँ से हम गए थे अंदर, ब्रिटिश कालीन तो ये सुरंग थी, इसके ऊपर देखिए पूरा पूरा खेत है, पर कुछ निवासी रह रहे हैं। देखिए सामने गाय भैंसों के लिए लूटा भी बनाया है। पहले आए थे वो लास्ट वो लोकेशन है, वो जो पेड़ दिख रहे हैं उजाला यहीं से नजर आ रहा था, तो अभी चलते हैं इसके नीचे, कोशिश करते हैं। देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन झाड़ी झंकड़ फेंका हुआ है इधर। आप तो जाते होंगे ना पहले इधर, सुरंग ऊपर को भी गई है। रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है ना, वही है बड़ी वाला एक और है क्या? नहीं पहले था वो टूट गया ना, अभी के लिए यही है ना सीढ़ी वाला। भाई थोड़ा सा सीढ़ी तो बनी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यूज नहीं होता तो हम सब यहाँ पर पहले वाले पाँव में आराम से रखना, ठीक है? बाकी तो ठीक है नीचे को। देखिए इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये तो आप आराम से उतार सकते हैं। सो गाइस हम आए थे वो देखिए जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो है लोकेशन, और ये दूसरी साइड देखिए वहाँ भी हॉल दिखाई दे रहा है, और अगर हम यहाँ से सीधा निकले तो सीधा शारदा नदी तक पहुँचेंगे। सो इस तरफ ये खुला हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और देखिए सीके भाई उतर रहे हैं, और कितनी बड़ी बात है कि 125 से 130 साल पुरानी ये लोकेशन है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई, और ये हम आज कवर कर रहे हैं। प्लीज ऐसी ऐसी वीडियोस से प्लेसेस और ऐसी लोकेशन आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस साइड से भी सीढ़ियां भाई, दोनों साइड से सीढ़ियां दी गई हैं, और यहाँ पर ये खुला हुआ होल है ये देखिए, तो कुछ रीजन के लिए होल दिया होगा ये। और आप यहाँ से जाएंगे सीधा नदी आएगी, नदी से पार करेंगे सीधा नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। तो रीजन समझ में नहीं आया ब्रिटिश लोगों का कि क्या रीजन होता था ये ऐसी सुरंग बनाने का। तो जहाँ हम पहले गए थे वहां से ज्यादा उजाला इधर से मुझे नजर आ रहा है, तो देखता हूँ थोड़ा कोशिश करता हूँ आगे तक जाने की जहां तक मैं जा सकता हूँ। सो स्टार्ट कर रहे भाई, ये देखिए ये होल खुला हुआ और ये हम चले। सो भाई 125 से लेकर 130 इयर्स पुरानी ये सुरंग है, अब देखिए बिल्कुल। और इस साइड देखिए, इस साइड वो देखिए सीके भाई खड़े हैं, और देखिए मेरा हाथ बिल्कुल काला। और स्टार्टिंग में हम उधर से आए थे, लेकिन ज़्यादा आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो जो अंकल ऊपर खड़े हैं उन्होंने बताया कि जंगली जानवर का लगातार डर बना रहता है इधर, क्योंकि मुझे लग रहा है। और वो बोले कि गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, फिलहाल अभी तो ठंडियों का सीजन है, विंटर सीजन में इतना ज़्यादा डर नहीं है। गर्मियों में बोला कि ठंड के लिए इधर बड़े बड़े मतलब हिंसक जीव, शेर, तेंदुआ ये सब बैठे रहते हैं, बंगाल टाइगर ये सब इधर बैठे रहते हैं, तो आजकल आप जा सकते हो मतलब इतना डेंजर नहीं है। सो अभी आप देख रहे हैं ये जो पार्टीशन खुला हुआ है जहाँ पर लाइटिंग है, और इसके ठीक उस तरफ मैं थोड़ा सा वहाँ भी ले जाने की कोशिश करता हूँ, उस तरफ एक और सुरंग है। सो भाई 125-130 ईयर्स पुरानी ये सुरंग है। सो भाई आगे बता रहे हैं दो कुत्ते हैं या शियार हैं, जो है मुझे नजर नहीं आ रहे, टॉर्च है, टॉर्च नहीं जाएगी वो एंड में देखो, एंड में। अच्छा एंड में, नहीं नहीं वो तो भर रखा उन्होंने अंदर घुमाते हुए देखिए इनको पहले। अच्छा हो सकता है कुत्ते हो। सुबह लाइट में मोबाइल की लाइट जला रहा हूँ, लेकिन लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। इस तरफ तो हमने जाना नहीं है, तो कोशिश करता हूँ मैं जितना आगे तक थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है भाई। और नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ ब्लॉग बनाने आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा। अब देखिए मैं इतना सा आया हूँ, पूरा अंधेरा हो गया, मुश्किल से मैं 20-40 मीटर पैदल चल के आया हूँ। सो कोशिश करते हैं नेक्स्ट में कुछ और बनाने की, अगर आप कहते हैं तो इसका डिटेल मैं, हाँ लाइट लेकर आएंगे और उस कॉर्नर से इस पार्टीशन तक और इस पार्टीशन से लास्ट कॉर्नर तक आपकी पूरी ब्लॉग मिलेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स कीजिए। ये लोकेशन था और इन्वेस्टिगेशन हमने कर दिया इधर का, नाइट इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी हम सोच रहे हैं, अगर सीके भाई के चैनल पर व्यूज व्यूज आते हैं बढ़िया से तो फिर इन्वेस्टिगेशन इसकी नाइट में भी करेंगे। सो अभी सीढ़ी से ऊपर कोशिश कर रहे हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा ये डेंजर है। और ये देखिए ये शारदा नदी तक पहुंचता है ये कोना, और वहां से नेपाल बॉर्डर तक। सो भाई हम चढ़ रहे हैं तो इस तरह देखिए, ये बीच में ये स्लोप खुला हुआ है, और बाकी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की टनल पूरी बची हुई है आज तक। बड़ा डेंजर है यार इधर, ऐसी ऐसी झाड़ियाँ हैं। और यहाँ से निकल कर आए हम, देखो देखो सीके भाई आ रहे हैं। तो भाई देख लो कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये देखिए ये है बाहर, इतना उजाला हो रखा है, सामने धूप आई हुई है, पूरा गांव का व्यू देख लीजिए। और यहीं पर थी वो टनल ब्रिटिश कालीन, बहुत शानदार।
सीके भाई की जितनी खूबसूरत चेहरा है ना इनका, उतनी खूबसूरत ये नदी है और उतना ही खूबसूरत हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल देख रहे हैं आप, और इस तरफ उस तरफ नदी थोड़ी इधर को कटाव हो गया, तो इस कटाव की वजह से जो हम टनल अभी तक आपको दिखाते हुए आ रहे हैं वो ये रही, उसका मुंह ये रहा। लेकिन पहले बोलते हैं नदी थोड़ा सा पीछे थी तो आप पॉसिबल था जाना, लेकिन अभी तो बिल्कुल नदी कॉर्नर पर आ गई, तो भाई रिस्क नहीं ले सकते। सो बूम पे एक छोटा सा लोकेशन और है, जो ये टनल नदी के किनारे किनारे ऐसे बन के आई थी, तो इससे 1 किलोमीटर आगे और इसका जो फेस है, मुंह है, थोड़ा सा बचा हुआ है। सो वहां चलते हैं, वही थंबनेल वनमेल बनाएंगे, बाकी आप नेपाल का एंजॉय लीजिए और ये स्मार्ट सा जॉन ऑफ रैम हमारे, इनका भी एंजॉय लीजिए। और ये रहा नेपाल, और वो नेपाल का गांव, वहां खेती हो रही, और ये इंडिया का पहला खेत भाई, सही बात नहीं है? अभी ये नेपाल, ये शारदा नदी, और उसके बाद ये पहला खेत, और इस पहले खेत में क्या लगे, गेहूं, और ये सामने लीची का पेड़। भाई गांव के आदमी हम गेहूं और धान में फर्क करना जानते हैं, और लीची प्लस आम सीखे भाई भी जानते हैं, देखा उन्होंने बोल दिया, आम भी लगे हैं इसमें। तो ये अच्छा सा गार्डन है एक, और एक बढ़िया सा उज्जोलीकोट गांव है ये टनकपुर में उत्तराखंड, तो इतनी खूबसूरत है उत्तराखंड की धरती, देखिए आप पूरे के पूरे पहाड़ियां। चलते हैं अभी, बूम टूरिस्ट प्लेस है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर दिखाएंगे। ए डॉगी चुप, डॉगी बहुत बोल रहा है, और भाई उसका काम ही है भोगना। सो चलते हैं अभी और इस ब्यूटीफुल सी प्लेस को करते हैं बाय बाय, और ये इंडिया का पहला खेत और इंडिया के पहले गांव में आ गए हम भाई नेपाल की तरफ से। वो जगह ढूंढ रहे हैं हम, शारदा नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, सामने इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर एक्चुअल में ये नदी है, नदी के इस तरफ है इंडिया और नदी के उस तरफ है नेपाल, बहुत सारी ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो नदी के साथ साथ चल रहे हैं भाई उस प्लेस को ढूंढने के लिए, हम देखते हैं कहाँ मिलता है। फिलहाल यहाँ तो सारे कपल्स बैठे हुए हैं, लविंग कपल्स, और वो कैमरा देख देख के भाग रहे हैं भाई। सो देखता हूँ और थोड़ा आगे तक निकल कर, मुझे डाउट हो रहा है शायद हम पहुँच गए हैं। देखिए ये शारदा नदी कितना अच्छा स्काई ब्लू इसका कलर है, और हम उस टनल तक पहुँच गए हैं, मुझे नज़र आ गया है। सो गाइज यही है वो, देख रहे हैं आप सुरंग, और यहाँ से ये नदी किनारे किनारे गई थी, बट ये देखिए टूटा हुआ हिस्सा नीचे वो ब्लैक कलर का, और ये है वो सुरंग, जो टनल हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया उसका स्टार्टिंग तो अभी नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये नदी के किनारे किनारे गया था। लेकिन अभी देखिए ये वाल, ये इसी टनल की वाल है, और यहीं से किनारे किनारे जाकर नदी के उस कॉर्नर पर जहाँ हमने इससे पहले वीडियो दिखाया था, विलेज दिखाया था आपको इंडिया का पहला, और वहाँ से वो पूरी टनल बन के गई जहाँ हमने वीडियो स्टार्ट किया था। सो यही वो टनल, और इधर हम जा नहीं सकते फिलहाल, पानी का देखिए ज़्यादा है, और जूते खोल के भी जाएंगे तो भी रिस्क है क्योंकि काफ़ी फिसलन है इधर, बट यही है वो टनल। सो इसी टनल तक बेसिकली मैंने आपको लाना था, इससे छोटा सा आगे पार्टीशन बना हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ, बचा हुआ जितना भी हिस्सा है, और इसके बाद जितना बाकी इसका हिस्सा है वो हिल एरिया में है, तो आप कमेंट्स करोगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। सो ये देखिए आप, ये रहा टनल, और ये टनल के ऊपर मैं खड़ा हो गया भाई, और ये सामने शारदा नदी, सामने नेपाल, और ये पूरा का पूरा जो आप फ्लोर देख रहे हैं, जो एक रूफ देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसी टनल का, और ये एक छोटा सा हिस्सा यही एक बचा हुआ है यहाँ पर। 125 साल पहले की ये सुरंग दिखाना, एक ब्लॉग और बनाया हमने इन्वेस्टिगेशन, वो सीके बिस्टी यूट्यूब चैनल पर, तो सीके बिस्टी पर ही एक ब्लॉग भी मिल जाएगा इसका आपको, और जो भी गांव वालों से बात हो रखी है वो तो आपने देख ही लिया ब्लॉग में। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ऐसे ही ब्यूटीफुल प्लेस पर, और ऐसे ही ये है बूम, एक्चुअल में ये है बूम टनकपुर, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्टे ट्यून्ड विद शेखर शेवर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड।